क्या सच में भूत होता है? क्या आत्मा लोगों को दिखती है? आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं, इसमें आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली के 10 हॉन्टेड प्लेस के बारे में, जहां पे लोगों को लगता है कि सच में यहां पे भूत रहता है और लोगों को दिखता भी है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्यन शो और मैं हूं राहुल शर्मा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नंबर 10 से और 1 तक जाएंगे, और मेरे लिस्ट में जो नंबर 10 पर है वो है खूनी दरवाजा। बहादुर शाह जफर के 3 बेटों को अंग्रेजों ने मार डाला था। कहा जाता है कि तभी से ये तीनों शहजादे यहाँ पर साया बनकर घूमते हैं और अचानक लोगों के सामने आते हैं और गायब हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 9 पे जो है हमारे लिस्ट में वो है करबला का कब्रिस्तान। दोस्तों, फिल्मी कब्रिस्तान की तरह यहाँ पर भी साये दिखने और उनकी हरकतों से लोग परेशान हैं। यहाँ के आसपास के लोग कहते हैं कि उन्होंने कई बार यहाँ पे कब्र से भूत निकलते हुए देखा है। जैसा नाम वैसा कब्रिस्तान, करबला। अब नंबर 8 की बात करते हैं। नंबर 8 पर है संजय वन। ये वन लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ पर लोग दावा करते हैं कि वो यहाँ पर बच्चों की आत्माएं देखते हैं खेलते हुए और उनकी आवाजें भी सुनते हैं। वैसे ये वन अंदर से बहुत घना और डरावना है। अब बारी है नंबर 7 की। दोस्तों, मेरे लिस्ट में जो नंबर 7 पर है वो है यूनिटी हाउस, जो कश्मीरी गेट में है। ये स्मारक 1857 में मारे गए सिपाहियों की याद में अंग्रेजों ने बनवाया था और उन सिपाहियों का साया अभी भी इस इमारत के आसपास रहता है, इसलिए इस इमारत को डरावना माना जाता है। अब नंबर 6 पे है भोली भतियारी का महल, जो झंडेवालान में है। यह महल किसी जमाने में तुगलक वंश का शिकारगाह हुआ करता था। इस महल का नाम भोली भतियारी इसकी देखभाल करने वाली महिला के नाम पर रखा गया था। अंधेरा होने के बाद यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता, क्योंकि यहाँ से अजीबो गरीबे आवाजें सुनाई देती है, जो इस माहौल को डरावना बनाता है। अब नंबर 5 पर है खूनी नदी, जो रोहिणी में है। इस नदी के आसपास कोई नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर आए दिन लाश मिलते रहते हैं नदियों के किनारे। दुर्घटना का कारण चाहे जो भी हो, हत्या या आत्महत्या, यहाँ नदी के किनारे लाश मिलना आम बात हो गया है। यही कारण है कि इस जगह को लोग डरावनी जगह मानते हैं। नंबर 4 पर है फिरोज शाह कोटला किला। 1354 में इस किले को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, जो आज खंडर हो चुका है। यहाँ के लोगों की माने तो यहाँ पर हर गुरुवार को मोमबत्तियाँ और अगरबत्तियाँ जलती दिखती है, और तो और अगले दिन किले के कुछ हिस्सों में कटोरे में दूध और कच्चा अनाज भी रखा मिलता है। ऐसा अक्सर होता रहता है, इसी वजह से इस किले को भूतिया किला माना जाता है। नंबर 3 पर है दिल्ली कंटोनमेंट, जिसे दिल्ली कैंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने की थी। यह पूरा इलाका एक छोटे से जंगल की तरह दिखाई देता है। कहा जाता है कि दिल्ली कैंट में सफेद लिबास पहने एक महिला लोगों से लिफ्ट मांगती है। अगर आप आगे निकल जाते हैं तो यह महिला कार के जितना तेज हो सके उतना तेज पीछा करती है। बहुत से लोगों ने उसे देखे जाने की पुष्टि की है। कहा जाता है कि शायद ये किसी महिला ट्रेवलर की आत्मा है, जिसकी मृत्यु इसी इलाके में हुई है। अब नंबर 2 पर है मालचा महल। इसका निर्माण लगभग 700 साल पहले फिरोज शाह ने करवाया था। वो इसे अपनी शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल करते थे। इस महल में 1885 में अवध घराने की बेगम बिलियामत महल अपने 2 बच्चे और 5 नौकर और 12 कुत्ते के साथ रहने आई, और इसी महल में 1993 में बेगम बिलियात ने आत्महत्या कर ली थी। अब ये महल खंडर हो गया है। कहा जाता है कि बेगम की रूह आज भी इस महल में भटकती रहती है। अब फाइनली नंबर 1 की बारी आ गई, जमाली कमाली का मकबरा और मस्जिद, जो महरौली में है। यह मस्जिद दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र मौजूद है। इस जगह के बारे में लोगों का विश्वास है कि यहाँ पर जिन रहते हैं। कई लोगों को इस जगह पर डरावने अनुभव हुए हैं। सूफी संत जमाली लोदी हुकूमत के राज कवि थे। माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राज के दौरान पूरा किया गया था। मकबरे में 2 संगमरमर की कब्र और 1
जमाली की और दूसरी कमाली की है। इस मस्जिद का निर्माण 1528 से 29 में किया गया था। ये मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर से बनी है और लोगों का मानना है कि कमाली और जमाली की जो आत्मा थी वो जिन बनकर यहाँ पर अभी भी घूमती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।